क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेकर 40-50 लाख जो टेस्ट है फ्री हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सुरेंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट एमबीबीएस आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है, अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं, कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं, गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं, 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है, ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई, क्यों जी? आजादी में 80% योगदान था हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर? किसने, वो खोते कौन है शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाला बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो ये शक है, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जनगण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो। इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को, और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है, सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा, और वो 12% है, वो खराब होगी वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं फिर, ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद